चंबू और खनौरी बॉर्डर पर कार्रवाई, हरियाणा पुलिस ने किसानों पर दागे आंसू गैस की बोली। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री और किसान नेताओं के बीच आज तीसरे दौर की बैठक, दो बैठकें रहीं बेनतीजा। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने एबीपी न्यूज से कहा, शाम 5 बजे बैठक, आज दिल्ली कूच की कोशिश नहीं। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा, जब हम बातचीत के लिए तैयार तो हमारे साथ क्यों किया जा रहा गलत व्यवहार। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने कहा, हम केंद्र से टकराव नहीं चाहते। किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल का बयान, कहा, हम बातचीत से भागते नहीं, अपनी 12 मांगों पर ही करेंगे चर्चा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, सरकार झूठ बोल रही है कि किसान बातचीत को तैयार नहीं, कोई किसान पत्थर नहीं मारता। पत्रकारों से गलत व्यवहार पर किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल ने मांगी माफी, कहा, सरकार की यही होगी मंशा कि हमारी छवि हो खराब। संगरूर के खनौरी बॉर्डर पर किसान और पुलिस आमने सामने, करीब 30 से 35 बार किसानों पर दागे गए बड़ी संख्या में आंसू गैस के गोले। दिल्ली चलो मार्च में भाग लेने के लिए पंजाब के कई स्थानों से किसानों का आना जारी, किसानों ने कहा, वे पीछे नहीं हटेंगे। खनौरी बॉर्डर पर टीयर गैस के गोले के साथ पुलिस ने चलाई रबर की गोलियां, दम घोटू धुएं से किसानों का बुरा हाल। दिल्ली में एंट्री से रोकने के लिए किलेबंदी, वेलकम टू दिल्ली वाला बोर्ड तक हटाया गया। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर भी तैयारी, पैरामिलिट्री फोर्स के साथ दिल्ली पुलिस की कई कंपनियां तैनात। यूपी में NH-24 पर एहतियातन कड़ी सुरक्षा, 8 लेन के हाईवे का आधा हिस्सा सुरक्षा संबंधित सामान से घिरा, अंडरपास भी बंद। किसानों के प्रदर्शन से जुड़े मुद्दों पर राजनाथ सिंह और अर्जुन मुंडा की चर्चा, सूत्रों के मुताबिक हल करने के तरीकों पर भी बातचीत। संयुक्त किसान मोर्चा का कल भारत बंद, पंजाब के किसानों से बर्ताव का विरोध। संयुक्त किसान मोर्चा का 16 फरवरी को भारत बंद, झारखंड में कांग्रेस और वाम दलों ने बंद को समर्थन दिया। किसानों के 16 फरवरी के बुलाए बंद का CPIM नेता सीताराम येचुरी ने समर्थन किया, कहा, MSP की मांग पूरा करे मोदी सरकार। किसान नेता राकेश नरेश टिकैत का बयान, किसानों के साथ हुई बर्बरता से बीजेपी समेत जयंत की भी हुई किरकिर। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, आज हर किसान को MSP दिलाना वक्त की मांग, हम फैसले राजनीति के लिए नहीं करते। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, स्वामीनाथन चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना केवल सरकार का पाखंड। पंजाब सरकार की मंत्री अनमोल गगन ने कहा, किसानों पर कार्रवाई गलत, वे अन्नदाता। अखिलेश यादव ने पूछा, आखिर बीजेपी चाहती क्या है, एक तरफ भारत रत्न दे रही है लेकिन दूसरी तरफ आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं। आज से CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं, किसान आंदोलन को देखते हुए छात्रों को घर से जल्दी निकलने की सलाह। 17 फरवरी को मुजफ्फरनगर में महापंचायत, राकेश टिकैत ने कहा, 4 राज्यों के किसान नेता भी पहुंचेंगे। पीएम मोदी का कतर दौरा, दोहा में पीएम मोदी और कतर के पीएम की द्विपक्षीय वार्ता। कतर की जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा होने के बाद पीएम मोदी की यात्रा, मौत की सजा को जेल की सजा में बदला गया था, फिर 46 दिन भारत वापस लौट आए पूर्व सैनिक। पीएम मोदी ने अबुधाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया, कहा, यह मानवता की साझा विरासत का प्रतीक। पीएम मोदी ने मंदिर निर्माण में योगदान देने वाले लोगों से भी मुलाकात की, मंदिर अधिकारियों के मुताबिक हिंदू ग्रंथों में वर्णित शैली के मुताबिक बना भव्य मंदिर। अबुधाबी में स्वामी नारायण मंदिर के शिखर के भीतरी गुंबद पर सूर्य की आकृति, स्तंभों पर ऋषि मुनि की मूर्तियां, गर्भगृह में राम दरबार, श्री कृष्ण, शिव पार्वती, जगन्नाथ जी भी विराजमान। हिंदू मंदिर के उद्घाटन समारोह में पहुंचे लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे। अबुधाबी के स्वामी नारायण मंदिर के निर्माण में शामिल हुए थे कई जगहों के लोग, कोई राजस्थान गुजरात आया तो कोई अयोध्या से आया। फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने कहा, सभी भारतीयों के लिए गर्व का क्षण।
अबुधाबी में एक्टर दिलीप जोशी ने कहा, देखने के बाद भी विश्वास करना मुश्किल, इतने भव्य मंदिर का हुआ है निर्माण। अबुधाबी में बोले शंकर महादेवन, ये भारत के लिए बेहद खुशी का पल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्स पर पोस्ट, लिखा मंदिर सनातन संस्कृति के प्रति बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता का प्रतीक। पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना के संदेश खाली में हिंसा, महिला का आरोप, रेप पीड़ित महिलाओं से मांगी जा रही है मेडिकल रिपोर्ट। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार जख्मी, अज्ञात महिला ने उत्तर 24 परगना में विरोध प्रदर्शन के दौरान दिया था धक्का। बीजेपी ने बनाई 6 सदस्यीय समिति, संदेश खाली का करेगी दौरा। आज राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के डेलीगेशन का संदेश खाली दौरा, पीड़ित महिलाओं के परिजनों से करेंगे मुलाकात। चुनाव आयोग ने की 3,40,000 सुरक्षा कर्मियों की मांग, लोकसभा और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए फोर्स मांग। राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन, 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी को चुनाव। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज करेंगे नामांकन, गुजरात से राज्यसभा सीट के लिए करेंगे नॉमिनेशन। महाराष्ट्र से मेधा कुलकर्णी, बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार, कहा पार्टी के एजेंडे के अलावा पुणे के मुद्दे भी उठाएंगे। बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 33वां दिन, रामगढ़ में राहुल और खड़गे की जनसभा, तेजस्वी यादव भी रहेंगे मौजूद। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शराना अंदाज में स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोला, कहा दुश्मनी जमकर करो पर जब दोस्ती हो तो शर्मिंदगी ना रहे। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले बोले 2047 तक कांग्रेस की सत्ता में वापसी नहीं है मुमकिन। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा बीजेपी में अपने नेताओं की जगह दूसरी पार्टी से आए नेताओं को टिकट। मध्य प्रदेश में बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के कई नेता, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा बोले पीएम के नेतृत्व में हो रहा पार्टी का विस्तार। एनसीपी के 53 विधायकों की अयोग्यता का मामला, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष आज राहुल लारवेकर आज सुनाएंगे फैसला। स्कूल में सूर्य नमस्कार से जुड़े मामले पर मुस्लिम फोरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शैक्षणिक संस्थानों में ठीक नहीं ऐसी चीजें कराना। नियोजित शिक्षकों की आज बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात, बिना परीक्षा राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग। ईडी ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को जारी किया छठा समन, 19 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी को ईडी का नोटिस, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लखनऊ के ईडी ऑफिस में आज तलब। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत आज करेंगे रामलला के दर्शन, सभी कैबिनेट सदस्य भी आएंगे अयोध्या। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की गोरखपुर में गांव चलो अभियान की शुरुआत, योगी ने लगाई चौपाल। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की सौरभ वशिष्ठ से मुलाकात, कतर से सकुशल लौटे कैप्टन सौरभ। राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए बनाई गई इलेक्टोरल बॉन्ड व्यवस्था का मामला, सुप्रीम कोर्ट आज सुबह 10:30 बजे सुनाएगा फैसला। ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना का मामला, जिला जज के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। मुंबई में एयरपोर्ट पर पकड़ा गया अवैध सोना, कस्टम विभाग ने 7 अलग अलग मामलों में 2 किलो 95 ग्राम सोना जब्त किया। कस्टम विभाग के मुताबिक बरामद गोल्ड की कीमत करीब 1,62,00,000, मस्कट से मुंबई आया था भारतीय व्यक्ति। दिल्ली के अस्पताल में सप्लाई किया जा रहा था घटिया माल, एंटी करप्शन ब्रांच ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। एसीबी की जांच में डॉक्टर और कुछ अधिकारियों की मिली भगत की मिली जानकारी, एसीबी ने बरामद किए कुछ फर्जी बिल और रसीदें। भारत और इंग्लैंड के बीच 3रा टेस्ट आज से, राजकोट में खेला जाएगा मुकाबला। 3रे मैच में केएल राहुल के खेलने की संभावना बहुत कम, चोटिल होने की वजह से उनका खेल पाना मुश्किल।